सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज द इवांस रिचर्ड का जो कंसेप्ट है न्यू रिलीजन को लेके. तो सबसे पहले हमें बात करनी है. देखिए इवान जो रिचर्ड थे ही डिड नॉट टॉक अबाउट रिलीजन एज अ होल. ये रिलीजन एज अ होल की बात नहीं करते. ही ओनली टॉक अबाउट द न्यू रिलीजन. इन्होंने अपने वर्क में सिर्फ न्यू रिलीजन की ही बात की है. NEUR न्यू रिलीजन. किसने दिया है न्यू रिलीजन का कंसेप्ट? इवांस रिचर्ड. नाम से क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ न्यू रिलीजन लिख के आएगा, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है. अब सबसे पहले दिस न्यूर इज, व्हाट इज दिस न्यूर? तो न्यूर जो है एक ग्रुप ऑफ ट्राइबल सोसाइटी है. इट इज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्राइब दैट इज लोकेटेड ऑन साउथर्न सूडान एंड वेस्टर्न यूरोपिया इथोपिया सॉरी अगेन रिपीट करो इट इज अ न्यूर इज द फेडरेशन ऑफ द ट्राइब्स कॉन्फेडरेशन फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ द ट्राइब्स दैट इज लोकेटेड ऑन द साउथर्न सूडान एंड वेस्टर्न इथोपिया. ठीक है. अब ये जो है ये ईस्ट अफ्रीका का लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है. न्यूर इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ द ईस्ट एशिया. जनरली द पीपल ऑफ द न्यूर लिव अ पेस्टोरल लाइफ. मींस दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर देयर फूड एंड जनरली दे आर द हंटर गैदरर लाइक द अर्लियर पीपल डू. तो ये वही काम करते थे, कैटल प्रोडक्ट रखते थे और डेली बेसिस पे उसी से ये लोग डील करते थे. सो दिस इज अबाउट द बेसिक ऑफ द न्यूर रिलीजन. नाउ वील टॉक अबाउट रिचर्ड इवांस रिचर्ड. ही वॉज अ इनका नाम है पी साइलेंस EVANS इवांस PRITCHARD. ठीक है. इवांस रिचर्ड जो इवांस रिचर्ड है ही इज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग न्यूर पीपल पे और इन सब चीज़ों पे स्टडी की है. इन्होंने ये बोला था कि ये जो पीपल्स हैं इनको प्रिमिटिव माना जाता है सोसाइटी में. प्रिमिटिव मतलब हुलिप्स का हु कम फर्स्ट जो स्टार्टिंग से हैं यहाँ देखने को मिलते हैं. तो इन्होंने क्या बोला इवांस इनको माना जाता था न्यूर लोगों को. इवांस रिचर्ड ने बोला ये डिफरेंट है लेकिन प्रिमिटिव नहीं है. एंड देन ही प्रोसीड विद हिज स्टडी फर्दर. अब इन्होंने बोला कि ये जो लोग हैं न्यूर रिलीजन के ये एक अलग ट्राइब रिलीजन फॉलो करते हैं. दे फॉलो अ प्रॉपर ट्राइब रिलीजन एंड जो ट्राइब होती है वो अपने रिलीजन से बहुत स्ट्रिक्टली कनेक्ट होती है. तो ये जो लोग थे अपने गॉड को KWOTH क्वॉथ बोलते थे. ठीक है. और प्लस ये लोग बिलीव रखते थे कि गॉड जो है इट इज़ विद इन वन सेल्फ. गॉड आपके अंदर ही है. देयर इज़ नो नीड टू सर्च गॉड आउटसाइड. इट इज़ इन द रेन स्काई वाटर मून ये हर जगह आपको देखने को मिल सकते हैं. प्लस दे ऑल्सो बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट. दे जनरली से कि घोस्ट जो है वो अर्थ पर रिसाइड करते हैं एंड गॉड जो है इट इज़ गॉड इज़ अवेलेबल इन द स्काई. प्लस ये जो है ये अपने न्यूर गॉड को ग्वांडोंग बोलते थे. GWANDONG लिख लो. सुबह रिवाइज करने का टाइम होता है एग्जाम से पहले. मॉर्निंग शिफ्ट भी 10 से शुरू होती है तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा आपको. तो ग्वांडोंग ऊपर KWOTH क्वॉथ पड़ा था. यहाँ पे ग्वांडोंग ग्वांडोंग का मतलब होता है ग्रैंडफादर और एंसेस्टर और फादर. ग्रैंडफादर ग्वांडोंग का मतलब ग्रैंडफादर एंसेस्टर और फादर बिकॉज जो होते हैं ये एज अ प्रोटेक्टर का काम करते हैं मैन के लिए. ठीक है. फादर भी प्रोटेक्टर का काम करते हैं और गॉड को भी हम प्रोटेक्टर मानते हैं ऑफ द ह्यूमन बीइंग. फिर वी नीड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग CUONG. ठीक है. अब कुछ अलग अलग वर्ड हमारे सामने आए. KWOTH क्वॉथ ग्वांडोंग GWANDONG. अब यहाँ पे कंसेप्ट जो आ रहा है वो कॉन्ग का आ रहा है CUONG. तो कॉन्ग जो होता है इसका मतलब होता है अपराइट या फिर कोई चीज़ जो फर्मली इस्टेब्लिश है. इसका मतलब है कि मैन का बिहेवियर गॉड के साथ स्पिरिट के साथ किस तरीके का है ये बात यहाँ पे इन्होंने करी है. ठीक है. गॉड जो है वो फाउंडर माने जाते हैं. मतलब इन सब चीज़ों के गॉड को हम प्रॉपर फाउंडर और फादर के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं. तो न्यूर बिलीव करते थे कि कोई भी जो मिसफॉर्चून हो रहा है कुछ भी जो मिसफॉर्चून हो रहा है इंसान के साथ ये इसलिए क्योंकि जो स्पिरिट है दैट इज़ इन मतलब वो एंगर में है वो गुस्से में है. स्पिरिट जो है वो इसलिए आपके साथ ये सब कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं. प्लस न्यूर जो है ये प्रेयर्स परफॉर्म करते थे एक पब्लिक मीटिंग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे फॉर्मल ओकेजन्स पे. प्लस ये एनिमल सेक्रीफाइस भी करके चलते थे. इतना कुछ हमें देखने को मिल रहा है. गॉड स्पिरिट की बात गॉड को ग्वांडोंग बोलते थे क्वाच भी बोलते थे ग्वांडोंग क्यों बोलते थे क्वांग की बात कौन होते थे न्यू रिलीजन के लोग ये सब हम बात कर रहे हैं. स्पिरिट पे बिलीव रखते थे. ठीक है. प्लस ये लोग ना कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टर्म यूज़ करते थे. लाइक सीमैन यूज़ करते थे आर यू एट ईज और हैव यू रेस्टेड. ये ना मैं आपको फोटो भेज देती हूँ अभी टेलीग्राम पे जस्ट लर्न इट. ठीक है. टेलीग्राम पे इमेज भेज देती हूँ वहाँ से आप लोग इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना क्योंकि इतना सारा बोल के कराऊंगी कन्फ्यूज हो जाओगे. सीमैन सिपैल ठीक है आकटी को थोड़ा अपने हिसाब से प्रोनाउंस करके जैसे भी याद करना हो कर लेना वरना अभी मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर दूंगी तो लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी मैम ये गलत बोल दिया वो गलत बोल दिया. ठीक है. और वैसे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सुनने से ये चीज़ और कंफ्यूज करेगी तो अगर किसी को नहीं भी याद करना तो छोड़ देना अगर मुश्किल लग रहा है कि कल तक नहीं याद होगा. फिर प्लस स्पिरिट की बात करते हैं तो ये दो टाइप की स्पिरिट की बात करते थे. स्पिरिट पे बिलीव कर रहे हैं तो हमने देख लिया दो टाइप की कुथ निहाल KUTH कुथ NIHAL निहाल कुथ निहाल कुथ पिनी PINY दो टाइप की स्पिरिट कुत निहाल कुत्पिनी कुत निहाल कुत्पिनी KUTH KUTH निहाल NIHAL PINY तो दो टाइप की स्पिरिट है कुत निहाल कुत्पिनी. कुत निहाल मतलब वो स्पिरिट जो एयर्स में एग्जिस्ट करती है और बहुत पावरफुल होती है एयर और ब्रीजेस में एग्जिस्ट करती है एंड दिस इज मोस्ट
पावरफुल, बाकी जो खुद पिनी होती है वो जो होती है वो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है और अलग अलग टाइप की कैटेगरीज में होती है, लाइक टोटम में बोलते हैं, नेचर स्पिरिट होती है, इस तरीके की होती है। अब इवांस रिचर्ड के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है वो बहुत कम यूज़ करी जाती है यहाँ पे जो न्यू रिलीजन है, दे डू नॉट फॉलो मेडिसिन। अगर कोई डिजीज़ बीमारी होती भी है तो दे डू फॉलो अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वो रिलीजन पे बिलीव रखते हैं उसको करेक्ट करने के लिए, वो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेफर नहीं करते हैं। तो देख रहे हो, मतलब इसी तरीके से प्रेजेंट करना है आपको, एक न्यू रिलीजन का इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ देना है, फिर वहाँ पे क्या फॉलो करा जाता है, गॉड से क्या कनेक्शन है वो बात की जानी है, स्पिरिट को लेके वो लोग क्या बोलते हैं ये बात की जानी है, मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल प्रोविजन क्या है ये आपको लिखना है न्यू रिलीजन के बारे में। डेथ की बात करें तो न्यूर पीपल जो है वो डेथ से बहुत डरते हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ डेथ, सो दे डू नॉट टॉक अबाउट डेथ डायरेक्टली, डेथ के बारे में डायरेक्टली बात नहीं किया, दे थिंक दैट इट इज़ इन द हैंड ऑफ द गॉड, गॉड गिव्स अस लाइफ एंड ही टेक्स इट बैक, गॉड लाइफ देते हैं एंड गॉड ही उस लाइफ को वापस ले लेते हैं। और कभी अगर ट्विन बच्चे पैदा होते हैं तो दे थिंक कि वो एक सोल में, मतलब दो बच्चों ने जन्म लिया है, ट्विन चाइल्ड के लिए दे बिलीव दैट वन सोल विद टू बॉडीज, ठीक है, दे आर द वन सोल विद टू बॉडीज। तो ये ह्यूमन बींग्स, कैटल्स एंड एलिफेंट्स के पास सोल होता है, ये सब बात पे बिलीव करते थे, ठीक है। और अलग अलग तरीके के डिजीजेस के लिए मैंने आपको बताया, कोई डिजीज थी तो ये गॉड के थ्रू क्या करते थे, गॉड के थ्रू है, गोस्ट के थ्रू नहीं मानते थे, गॉड ने एक पनिश करने का तरीका दिया है, तो दे ऑल्सो बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ सिन, इनका सिन का कंसेप्ट भी है, दैट वी विल ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सिन मतलब क्या होता है, श्राप। नाउ अगर हम न्यू रिलीजन में कंसेप्ट ऑफ सिन की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ सिन में भी यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को, लाइक इफ देयर आर कपल हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे की फैमिली की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, हस्बैंड हैज़ टू रिस्पेक्ट द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड एंड ब्राइड हैज़ टू रिस्पेक्ट द पेरेंट्स ऑफ द हस्बैंड, एंड दे बोथ नीड टू एट द टाइम ऑफ द वेडिंग, मतलब वेडिंग क्या पूरे, मतलब हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होती है। अब एडल्ट्री जो होता है वो न्यू रिलीजन में सिन माना जाता है, प्लस इंसेस्टस रिलेशन जो होते हैं, लाइक इलीगल रिलेशंस, मतलब सेक्सुअल रिलेशन विद इन द सेम फैमिली की बात की जाए, इफ़ दे आर विद द क्लोजेस्ट पर्सन देन वो सिन माना जाता है, इफ़ दे आर विद द डिस्टेंट पीपल देन देयर इज नो सिन इन दैट, एंड अडल्ट्री इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ सिन इन केस ऑफ द न्यूर रिलीजन। तो आप कंसेप्ट ऑफ सिन डाल सकते हो, कंसेप्ट ऑफ सिन में आप ये सारी बातें एक्सप्लेन करोगे, दीज आर द डिफरेंट हेडिंग जो जा रही है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ गोस्ट एंड स्पिरिट, सिन, मेडिकल ट्रीटमेंट, इनका इंट्रोडक्शन, ये सब चीज़ें हम लोग बात करें, गॉड को लेके क्या बोलते हैं, तो ये न्यू रिलीजन के बारे में टॉपिक चल रहा है। नाउ सेक्रीफाइस को लेके अगर हम बात, अब सेक्रीफाइस में जो न्यू पीपल सेक्रीफाइस करते थे इसको ये बहुत एक्सप्रेसिव एक्ट मानते थे, प्लस ये सेक्रीफाइस जो थे ये किए जाते थे किसी ट्रबल को कम करने के लिए या इलनेस को कम करने के लिए, प्लस वुमेन एंड चाइल्ड आर नॉट अलाउड टू डू द सेक्रीफाइस प्रोसेस, ओनली द हेड ऑफ द फैमिली विल डू दिस, जो हेड ऑफ द फैमिली होते थे वो ये सेक्रीफाइस का काम करते थे। प्लस यहाँ पे देखा जाए तो जो सेक्रीफाइस किया जाता था, लाइक इन केस ऑफ किसी सिक पर्सन, कोई बीमार हो गया तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, मैरिज है तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, कोई इसके अलावा अगर हम देखते हैं सेक्रीफाइस जो करे जाते थे, कोई सिन आपने करा है तो उसको, उसके बर्डन को कम करने के लिए भी सेक्रीफाइस एक्ट जो थे वो परफॉर्म किए जाते थे। व्हेन अ चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस, एक बच्चे का जन्म होता था तो भी आप सेक्रीफाइस परफॉर्म करते हो। प्लस सेक्रीफाइस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पर्सन सेक्रीफाइस एंड कलेक्टिव सेक्रीफाइस। तो जैसा कि नेम बोल रहा है, पर्सन सेक्रीफाइस इज अ सेक्रीफाइस जो कोई इंडिविजुअल सिर्फ अपने इंडिविजुअलिस्टिक रीजन से कर रहा है तो वो इंडिविजुअल अपने नेम पे करेगा, वहीं कलेक्टिव सेक्रीफाइस एक ऐसा होल किया जाएगा किसी सोशल, किसी बड़ी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, टालने के लिए, प्लस वो आपका कलेक्टिव सोशल स्टेटस, कलेक्टिव सोशल स्टेटस को स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। सो दिस इज द थिंग जो हमें मेंशन करनी है। प्लस जब भी आप सेक्रीफाइस करते हो, सेक्रीफाइस किस किस एनिमल का करोगे, ऑक्स का किया जाता है, बैरन काउ का किया जाता है, बुल का किया जाता है, गोट का किया जाता है, दीज आर द एनिमल जिनका जनरली सेक्रीफाइस किया जाता है। अब ये जो पूरा सेक्रीफाइस प्रोसेस होता है मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ, इट गोज थ्रू फ्यू स्टेजेस, इसमें कुछ स्टेजेस होती है, लाइक फर्स्ट प्रेजेंटेशन, कंसक्रेशन, इन्वोकेशन एंड इमोलेशन, PCI2, क्या बन गया ये PCI2 मतलब प्रेजेंटेशन, पहले याद कर लो फिर मीनिंग भी देखते हैं, प्रेजेंटेशन, कंसेक्रेशन, इन्वोकेशन एंड इमोलेशन। प्रेजेंटेशन मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो प्रेजेंट करता है विक्टिम को गॉड के आगे, ठीक है, आफ्टर स्टॉकिंग द मिल्क बियर और द वाटर इज पोर्ड ओवर इट, उसके ऊपर ये सब चीज़ें डाली जाती हैं तो प्रेजेंट कर दिया। फिर नेक्स्ट है कंसेक्रेशन, CONSECRATION, इस एक्ट में जो ऐश होता है कैटल डंग का वो उसके बैक पे पूरा रब किया जाता है, वो ऐश रब किया जाता है, वो ऐश रब कर दिया, प्रेजेंटेशन हो गया, कंसेक्रेशन हो गया, फिर इन्वोकेशन में रीजन जो है सेक्रीफाइस का वो भगवान को बताया जाता है बाय द सेक्रीफाइजर। इस स्टेज में रीजन बताया जाता है कि हम किस रीजन की वजह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन एनिमल को रखा, नेक्स्ट मतलब मिल्क और बियर वगैरह पोर करी उसके ऊपर, कंसेक्रेशन में उसके ऊपर जो था ऐश ऑफ कैटल डंग उसके बैक पे रब किया, तो ड्यूरिंग दिस एक्ट द एश ऑफ कैटल डंग इज रब्ड ऑन द विक्टिम्स बैक,
विक्टिम को पेश किया, विक्टिम के बैक पे कैटल डंग का ऐश रब किया। इन्वोकेशन में द रीजन ऑफ द सेक्रीफाइस इज टोल्ड बाय द सेक्रीफाइजर टू द गॉड को आपने बताया। इमोलेशन मतलब द फाइनल स्टेज इमोलेशन, जिसमें विक्टिम को गॉड को आपने ऑफर कर दिया। दिस पीसीआई टू इज द स्टेजेस, जिसमें आप क्या करते हो, ये रिचुअल जो होता है सेक्रीफाइस का वो परफॉर्म करते हो। अब न्यू रिलीजन में ही प्रीस्ट एंड प्रोफेट का कंसेप्ट है। तो प्रीस्ट एंड प्रोफेट समटाइम डिफरेंट पर्सन होते हैं। प्रीस्ट का जो रोल होता है वो जनरली जो होता है वो सेक्रीफाइसल फंक्शन वगैरह के टाइम पे ही किया जाता है। व्हेन यू आर ऑफरिंग सेक्रीफाइस, आप एनिमल सेक्रीफाइस करो तो ही प्रीस्ट का यूज होता है। तो प्रीस्ट जो होता है वो ट्रेडिशनल फंक्शनरी का काम करता है, जबकि प्रोफेट जो होता है वो नया डेवलप्ड रीसेंट डेवलप्ड टर्म है। प्रीस्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो सेक्रीफाइस करवाना होता है, वहीं जो प्रोफेट होता है उसके रोल्स आर इंडिटरमाइंड, वो मल्टीपल रोल कर सकता है। प्रोफेट की पर्सनालिटी जो होती है वो कैरिस्मेटिक होती है, वो अपनी करिश्मा अपनी पर्सनालिटी की वजह से वो लीड और प्रोफेट बनता है। वहीं जो प्रीस्ट होता है उसको प्रीवियस प्रीस्ट से वो चीज़ आगे पास ऑन होती है, पावर जो होती है। प्रीस्ट का कोई प्रॉपर जो होता है फंक्शन कल्ट वाले फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन प्रोफेट के प्रॉपर कल्ट वाले फीचर होते हैं। तो ये अलग अलग पर्सन है न्यूर के आईज में, दे कंसीडर प्रीस्ट एंड प्रोफेट। न्यूर के पीपल प्रीस्ट एंड प्रोफेट को डिफरेंट पर्सन मान के चलते हैं, क्लियर। एंड प्रोफेट जो होता है इट प्रोवाइड हीलिंग टू द पीपल, राइट। ये हीलिंग वाली जो है वो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं लोगों को। सो दिस इज द कंसेप्ट, प्रीस्ट एंड प्रोफेट का कंसेप्ट, दिस इज इट। तो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ आवर न्यू रिलीजन गिवन बाय इवांस रिचर्ड। प्रीस्ट का देखा, सेक्रीफाइस का देखा, स्पिरिट एंड गोस्ट का देखा, गॉड के लेके क्या चीज़ें हैं वो देखी, सिन का कंसेप्ट देखा हमने इनका। तो आई थिंक डिटेल में हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया। तो अगर क्वेश्चन 20 नंबर में आएगा तो वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, एंड आई वुड लव अगर ये क्वेश्चन आ जाए एंड आप सब लोग इसको बहुत बेटर तरीके से अटेम्प्ट करके आएँ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट एम एन श्रीनिवास कंसेप्ट ऑफ द कुर की बात करते हैं। जगे रहिएगा, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें कल के लिए, और मैक्सिमम 10 में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन जो हमें करके आने होते हैं वो हमारे पढ़े हुए आ जाएँ। विल ट्राई दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।